हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। वो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास को एंड तक देखना। आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को सबसे पहला वर्ड है वो है आपका कोनंड्रम। एंड कोनंड्रम वर्ड कभी भी आया, इसका मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन, कोई मिस्ट्री या जिसको पजल भी बोल सकते हैं, कोई रहस्य या कोई ऐसा क्वेश्चन या तो जिसको हम बोलते हैं पहेली, ठीक है। तो कोनंड्रम का मतलब कभी भी आए तो इसको आप पजल कह सकते हो, मिस्ट्री कह सकते हो या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हो जिसको हम पहेली कहते हैं, या तो कोई रहस्य कह सकते हैं या कोई मुश्किल प्रश्न भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वॉयलेशन या किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी भी चीज़ का नियम तोड़ना, ट्रांसग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको, हम वॉयलेशन कह सकते हैं, कोई ऑफेंस भी कह सकते हैं जिसको हम उल्लंघन करना, किसी भी चीज़ के कानून को तोड़ना या नियम को तोड़ना ट्रांसग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है टाडी। टाडी वर्ड यूज़ होता है स्लो के लिए, यानी जो सुस्त हो, धीमा हो, उसको हम कहते हैं, लॉयटर भी बोलते हैं, टाडी भी बोलते हैं, स्लो के लिए यूज़ करते हैं स्लो, या तो आप कह सकते हो लॉयटर, धीमा या तो सुस्त होना टाडी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड किबिट, और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है गॉसिप करना, डिस्कस करना या चैटर जिसको बोलते हैं, या टॉक करना, कन्वर्स करना, आपस में बातचीत करना किबिट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये वर्ड कभी भी आया, इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है चैटर, टॉक, गॉसिप या डिस्कस, जिसको हम कहते हैं बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड है इन्यूमरेट करना। एंड इन्यूमरेट करना बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ की गिनती करना या गिनना जिसको बोलते हैं, काउंट करना, न्यूमरेट करना भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप काउंटिंग होती है ना, गिनती जिसको बोलते हैं, तो इन्यूमरेट करना मतलब किसी भी चीज़ की गणना करना, गिनती करना या उसको गिनना होता है। इन्यूमरेट को हम कह सकते हैं काउंट करना, या सिर्फ न्यूमरेट वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को गिनना या तो गणना करना, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करना आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ को सबके सामने लेके आना, रिवील करना, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना कहलाता है। तो डिस्क्लोजर भी सेम मतलब देगा। डिस्क्लोजर कभी भी आया, इसका मतलब होता है रिवीलेशन, या तो जिसको एक्सपोजर भी बोलते हैं, जिसको हम एक्सपोज करना भी बोलते हैं, सबके सामने लेके आना भी बोलते हैं, किसी चीज़ को प्रस्तुत या प्रकट करना भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रकाश में लाना, यानी सबके सामने लेके आना। नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट या ग्रेजुअल प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, थोड़े तो मतलब विकास करना बोल सकते हैं या विकसित होना बोल सकते हैं, एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस जिसको हम विकास कहते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन आपने सुना भी होगा, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट है आपका पैराडाइम। पैराडाइम मतलब होता है उदाहरण, जिसको हम मॉडल बोलते हैं, एग्जांपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, नमूना, ठीक है, पैराडाइम कहलाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल या तो मॉडल, जिसको हम उदाहरण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बामी। अब आप बाम क्यों लगाते हो, जैसे होता है ना कि हेडेक हो रहा है तो बाम लगा ले तो उससे आराम मिलेगा, यानी जो चीज़ें सूदिंग हो, या तो सीरीन जिसको बोल सकते हैं, या जो चीज़ें आराम देने वाली हो, ठीक है, पैसिफाई करे, सुखदाई या शांति देने वाली हो, तो वो बामी कहलाती है। जिसके सिनोनिम में आप सूदिंग तो लिख सकते हो, या जो चीज़ें कामिंग हो वो भी कह सकते हो, ठीक है, सीरीन भी लिख सकते हैं यानी शांतिदायक लिख सकते हो, या जो चीज़ें कम करे दर्द को उसको भी कह सकते हो। नेक्स्ट है स्टिफलिंग। स्टिफल करना या स्टिफलिंग वर्ड, जब सांस लेने में दिक्कत वाली स्थिति हो, जैसे गला जैसे दबता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेटिंग जो चीज़ें हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सफोकेटिंग, इसके लिए हम लिख सकते हैं। स्टिफलिंग मतलब सांस लेने में परेशानी या दिक्कत होना, ब्रीथलेस कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम सफोकेटिंग भी कहते हैं, या तो ब्रीथलेसनेस भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं
सांस ना ले पाना, या तो जिसको हम दम घुटना भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेकॉन। बेकॉन वर्ड का मतलब है किसी को भी बुलाना, इशारा करके अपने पास बुलाना बेकॉन कहलाता है, या जिसको आप कॉल करना, इनवाइट करना भी कह सकते हो। तो बेकॉन कभी भी आए, इस वर्ड का मतलब क्या है? कॉल या इनवाइट, जिसको हम बोलते हैं बुलाना। नेक्स्ट है डिवॉइड, एंड डिवॉइड इज जिसको आप बोल सकते हो रिक्त, या जिस हिंदी में, या फिर खाली बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी, या जैसे वेकेंट जिसको बोलते हैं वो डिवॉइड होता है। डिवॉइड मतलब क्या होता है? खाली होना, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं, या वेकेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रिक्त या तो खाली। नेक्स्ट वर्ड है फैटुअस। फैटुअस वर्ड का मतलब होता है जिसको हम स्टुपिड बोलते हैं, सिली बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, वो फैटुअस कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या है? स्टुपिड, सिली, जिसको हम मूर्ख बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव नेचर का होना, काफ़ी सीरियस, या जिसको बोलते हैं ना कि काफ़ी गंभीर होना, ग्रेव कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेव कभी भी आए इसका मतलब होता है सीरियस, या तो आप सोबर भी कह सकते हैं, काफ़ी गंभीर होना ग्रेव कहलाता है। नेक्स्ट है परपिट्यूटी। परपिट्यूटी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्लियर बोलते हैं, ल्यूसिडिटी बोलते हैं, जो चीज़ें साफ हो, स्वच्छ हो, परपिट्यूस भी कहलाता है, परपिट्यूटी भी कह सकते हैं। तो इसको आप ल्यूसिडिटी भी कह सकते हो, या क्लियर भी कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ, या जिसको बोलते हैं साफ। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका पॉजी। एंड पॉजी वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट एंड फैट, जिसको बोलते हैं छोटा या फिर मोटा व्यक्ति जो हो, उसके लिए हम पॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पॉजी वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट एंड फैट, छोटा और मोटा व्यक्ति। ठीक है, या फिर कोई भी जो छोटा हो और मोटा हो, उसके लिए हम पॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप धारण करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग, या किसी भी चीज़ को आप रिटेन करते हैं, बचा के रखते हैं, उसको धारण करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो आपका रिटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो होल्डिंग या रिटेनिंग भी कहते हैं, या रिटेन करना भी कहते हैं, किसी भी चीज़ को धारण करना, उसको संभाल के रखना, बचा के रखना, क्या कहलाता है? आपका रिटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है रेटिसेंस। एंड रेटिसेंस भी हम यूज़ करते हैं जो लोग कम बात करें, अल्पभाषी हो, इसको रिजर्व होना भी कहते हैं, या कुछ हेजिटेंट टाइप के हो, मतलब हिचकने वाले हो, ज़्यादा खुल के सबसे मिलने जुलने वाले या बात करने वाले ना हो, तो वो रेटिसेंस नेचर के कहलाते हैं। तो आप इसको रिजर्व भी कह सकते हैं, या आप लेस टॉकेटिव भी बोल सकते हो, या तो आप इसको हेजिटेंट भी बोल सकते हो, जिसको अल्प भाषी तो बोलते ही हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घुलना मिलने वाले नेचर ना हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीडिट। एक्सपीडिट वर्ड का मतलब होता है फास्ट, या बहुत तेज होना, जैसे हमने अभी टार्डी वर्ड पढ़ा था, स्लो के लिए यूज़ होता है। अपोजिट है एक्सपेडाइट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फास्ट होना, क्विक होना, जिसको आप बहुत ज़्यादा तेज बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र होना बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होना बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन सच। नॉन सच वर्ड इनकम्पेरेबल, या बोल सकते हैं, या जो मतलब किसी की बराबरी का ना हो, बेमेल या बेजोड़ हो, मैचलेस हो, उसको भी कह सकते हैं। तो नॉन सच का मतलब है मैचलेस होना, इनकम्पेरेबल होना, जिसको हम बोलते हैं बेमेल होना या बेजोड़ होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।